IBN 7 हौसला है। और आइए बस इधर रुक करते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का, जो कि बैंगलोर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और मेक इन इंडिया दोनों को इकट्ठा करकर काफी हद तक बेरोजगारी की समस्या को हम उसका सामना करने में सफल होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हमने चुनावी अभियान में ब्लैक मनी पर काफी बातें कही थी और यूपीए सरकार 10 साल में ब्लैक मनी के बारे में कार्यवाही करने में, उसको ढूंढने में और आगे बढ़ होने से रोकने में विफल गई है। इस बारे में हमने जनता के सामने प्रमुखता से बात रखी। इस सरकार ने बनने के बाद पहली बार पहली ही कैबिनेट में ब्लैक मनी पर एसआईटी बनाई है और वो एसआईटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। सरकार बनने के एक ही महीने के बाद 10 साल से जो बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन यूपीए सरकार के पास थी उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती थी। मई में सरकार बनी और जून के अंत में ये सभी के सभी काले धन के अकाउंट की इंफॉर्मेशन एसआईटी को जांच के लिए दे दी गई और एसआईटी दो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में काम कर रहे। फिर भी कुछ द्विपक्षीय करार, अंतर्राष्ट्रीय करार और कुछ इंटरनेशनल कानून जो काले धन को रोकने में और काले धन को वापस लाने में आगे आते हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जहां जहां भी वैश्विक फोरम में मौका मिला इस मुद्दे को उठाया है और इसके लिए आम सहमति बनाने का प्रयास किया है और उसमें काफी सफलता भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी को मिली। जहां तक भूपी जी का सवाल है, आजादी के बाद शायद ही किसी प्रधानमंत्री को विदेश के अंदर इतना मान सम्मान मिला होगा। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मानते हैं कि मान सम्मान देश के 125 करोड़ लोगों का है और आज 7वें महीने के कार्यकाल में देश दुनिया के राजनीतिक पटल पर एक अग्रिम पंक्ति का देश बनकर रह गया है। ये हम सब के लिए आनंद की बात है। यूपीए सरकार ने डब्ल्यूटीओ में एक सैद्धांतिक सुधार किया था कि किसानों की जो पैदावार है उसको सपोर्ट प्राइस से हिन्दुस्तान खरीद नहीं करेगा, भारत सरकार खरीद नहीं करेगी, मगर जब उसको अमलीजामा पहनाने का समय आया तब सौभाग्यवश भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी और हमने डब्ल्यूटीओ के फोरम में एक फर्म स्टैंड लिया कि इसके साथ हम सहमत नहीं हो सकते, इस एग्रीमेंट को भारत उस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता और उसी फर्म ने और कूटनीतिक हमारी जो योग्यता थी इसके कारण इस बात को हम डब्ल्यूटीओ के फोरम में स्वीकार कराने में सफल हुए हैं कि हम अपने किसानों को सपोर्ट प्राइस दे सकते हैं। मैं मानता हूं देश के किसानों के लिए बहुत राहत की बात है। आदर्श ग्राम योजना के तहत सभी सांसद और देश के सभी विधायक एक एक गांव को आदर्श ग्राम में लाके वोट ले ये योजना प्रधानमंत्री ने रखी है और हरेक जिले में कम से कम 5-7 गांव आदर्श बने और उसको देखकर बाकी की योजनाओं की तर्ज पर बाकी गांवों का भी विकास इस विषय में दिशा में एक बहुत अच्छी पहल। यूपीए सरकार पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रस्त थी, 150 से ज्यादा मंत्री समूह अलग अलग समस्या के लिए बनाए गए थे, वास्तव में कोई निर्णय नहीं होता था, हर मंत्री अपने मंत्रालय का प्रधानमंत्री था और प्रधानमंत्री को कोई नहीं चुनता था। इसकी जगह आज संविधान के साथ स्पिरिट के साथ मंत्री अपने मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे हैं
और समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय की तो बेंगलुरु में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। अमित शाह ने कहा कि सरकार चुनाव में किए वादे पूरे कर रही है। सरकार बनते ही कालेधन पर एसआईटी बनी, पेट्रोल और डीजल के दाम भी सरकार ने कम किए। इतना ही नहीं, जनधन योजना पूरी तरह से कामयाब रही।